हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम इकबाल, आप देख रहे हो इकबाल एडिटिंग। तो आज हम इस तरह का क्रिस्टल टाइप का ग्लास वन बनाएंगे, डायमंड टाइप का। तो पूरा वीडियो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिक्सल लैब ओपन करेंगे, उसके बाद इसमें डबल टैप करके इसको डिलीट करते हैं। पहले कैपिटल में हम एस लेंगे, इसमें फ़ॉन्ट लगाएंगे। उसके लिए ए वाला ऑप्शन में जाएंगे, ए बी फ़ॉन्ट में जाएंगे, यहाँ से हम फ़ॉन्ट ले लेते हैं। ये फ़ॉन्ट ले लेने के बाद इसका जो पेंडिंग है वो हम बढ़ा देंगे। ये बढ़ाने के बाद इसी का हम एक कॉपी करेंगे और इसमें डबल टैप करेंगे, इसमें बाकी का नाम ले लेते हैं। इसका भी हल्का सा पेंडिंग हम बढ़ा देते हैं। उसके बाद इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम ये दोनों को मर्ज कर देंगे, मर्ज करने के बाद हम इसमें जाएंगे और यहाँ से हम 3D लेंगे। इसको इन्वॉल्व कर देंगे, इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद हम वाई को हम एक माइनस कर देंगे, जेड को हम एक्स को जो है हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे इतने पे, 17 पे रखेंगे, और वाई को हम एक माइनस कर देंगे, और जेड को जो है हम 1 माइनस करेंगे। ओके कर देंगे। इसको जो है हम इतने पे इसको हम सेव करेंगे। तो इसको पहले हम इस लेयर में जाएंगे, ट्रांसपेरेंट में जाएंगे, सेव इमेज अल्ट्रा में इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको हम फिर से बैक जाएंगे, इसको इसी में हम सेव करेंगे नॉर्मल। ट्रांसपेरेंट में जाएंगे, सेव इमेज अल्ट्रा में इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव हो जाने के बाद हम PSCC को ओपन करेंगे। लेने के बाद फिर से हम प्लस में जाएंगे और लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ से जो हम पिक्सल लैब में हम सेव किए उसे ले लेते हैं। फर्स्ट हम ये वाला लेंगे जो लास्ट में हम सेव किए हैं, इसको यहीं पे एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद इसका एक डुप्लीकेट करेंगे और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसी ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में, और इसको जो है हम पाँच माइनस रखेंगे। ओके कर देंगे। इसको यहाँ से हम इसी से क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद इसमें हम बेबल लगाएंगे, इस बेबल को हम दो ब्लर रखेंगे, दो डिस्टेंस एंगल, फर्स्ट 180, दूसरा एंगल 45, तीसरा एंगल 135। उसके बाद इसमें जाएंगे, यहाँ से हम क्रूस लेंगे, क्रूस को हम इस तरह का रखेंगे। उसके बाद हम इसको ऑन कर देंगे और इसमें हम बेबल लगाएंगे, सॉरी इसमें बेबल नहीं लगाएंगे, यहाँ से हम एक टेक्सचर ले लेते हैं। उसके बाद इसका टेंट लगाएंगे, कलर वाइट कर देंगे। उसके बाद इसको हम रोटेट करेंगे, इसको जो है इस तरह से यहाँ पे हम सेव करेंगे, यहाँ से कट करेंगे और पेस्ट करेंगे। इस तरह से
पेस्ट करने के बाद इस सारे को मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इस पे जाने के बाद यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देंगे। और इसको हम नीचे ले लेंगे। नीचे ले लेने के बाद इसमें हम यहाँ से शैडो हाईलाइट बढ़ा देंगे। इसका जो लाइट है ना 50 पे कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हम एक और लेंगे जो हम सेव किए थे, इसको यहाँ पे इस तरह से हम सेव कर देंगे इसको। उसके बाद इसमें हम बेबल लगाएंगे। बेबल हम 32 रखते, ब्लर 32, डिस्टेंस एंगल 180, दूसरा एंगल 45, तीसरा एंगल 135। उसके बाद क्रूस में जाएंगे, क्रूस लेंगे, और इसमें हम एक और लेके देख लेते हैं, एक और ले लेते हैं। उसके बाद इसमें हम टेंट लगाएंगे। टेंट में हम कलर इस टाइप का रखेंगे, बिल्कुल लाइट कलर रखना है। लाइट कलर आप यहाँ से बना सकते हो। इसी तरह का रखेंगे। फिर से एक बार हम इसका यहाँ से लाइट बढ़ा देते हैं, और इस पे जो है हम ड्रॉप शैडो भी लगा देते हैं। तो ब्लर को हम 10 कर लेते हैं, डिस्टेंस को 12, एंगल 45 कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा सेम बनके तैयार हो गया है। और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसमें भी हम ड्रॉप शैडो लगा के देख लेते हैं। दो ब्लर, दो डिस्टेंस, तो हमारा सेम कलर हो गया। आप बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हो आपको जो पसंद है। उसके बाद इसमें हम एक लाइट ले लेते हैं। लाइट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसका कलर टेक्स्ट को हम इरेज कर देंगे। उसके बाद हम इसको ऊपर ले लेते हैं, यहाँ से हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहाँ से इसको हम कट करेंगे, सॉरी कट करेंगे और पेस्ट करेंगे। इस तरह से पेस्ट कर देंगे। हमारा देख सकते हो सेम बनके तैयार हो गया। और चैनल पे आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इसको हम कर लेते हैं सेव।